वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी कुक। आज हम लोग एक अमेजिंग डेजर्ट बनाएंगे जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है, जो कि है चॉकलेट बिस्किट पुडिंग। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार बनती है ये। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए देख लेते हैं कि चॉकलेट बिस्किट पुडिंग कैसे बनाएं। ये देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है ये। तो इसको बहुत ही आसानी के साथ हम लोग बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हम लोग को चाहिए कोको पाउडर, ये हाफ कप कोको पाउडर है। और हम लोग को चाहिए शुगर, जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया है, जस्ट ये हाफ कप है, ठीक है। और ये हम लोग को चाहिए 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। और उसके बाद हम लोग लेंगे मिल्क, ये तकरीबन 4 कप है, 1 लीटर के करीब है ये, ठीक है। इसमें से हम लोग थोड़ा सा ना मिल्क बिस्किट डिप करने के लिए भी रख लेंगे, ठीक है। और ये वेनिला एसेंस है, जिसमें से हाफ टीस्पून लेंगे हम लोग वेनिला एसेंस का। और 2 बनाना ली हूँ मैं। और ये बिस्किट ली हूँ, आप लोग कोई भी बिस्किट ले लीजिए, मारी बिस्किट या पार्ले जी या कोई भी बिस्किट ले लीजिए, आप लोग की मर्जी है। मेरे पास ये मल्टीग्रेन बिस्किट थे तो मैंने ये लिया है। और बिस्किट का क्वांटिटी जो है आपके डिश के ऊपर डिपेंड करती है कि जो डिश में आप सेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप लोग लीजिए। मेरे को ये 10 से 12 बिस्किट इनफ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिल्क को बॉइल कर लेंगे। पैन में मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम लोग इसमें सारी चीजें मिलाते रहेंगे, ठीक है। देखिए दूध में बॉईल आ गया है हमारे, ठीक है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी। मैं कॉर्नफ्लोर ऐसे नहीं मिलाऊंगी, कॉर्नफ्लोर मैं पानी में मिला के मिलाऊंगी। मैं आप लोगों को बता, देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर जो है पानी में मिला लिया है, ये ऐसे इसका स्लरी सा बना लिया है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे मिला लीजिए, हाफ कप पानी में ये कॉर्नफ्लोर घोल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये मिल्क में ऐड कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर मैं मिल्क में ऐड करूंगी, मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके ऐड करूंगी। और साथ ही साथ मैं ये चम्मच चलाते रहूंगी क्योंकि हम लोग को लम्प्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे करिए, ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए और चम्मच चलाते रहिए, ठीक है। और ये कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम लोग को पकाना है, लेकिन बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, अब मैं इसको पका लेती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे। इन द मीन टाइम हम लोग कोको पाउडर भी पानी में घोल लेंगे, ठीक है। ये कोको पाउडर को भी मैंने पानी में घोल लिया है, तकरीबन 1 कप पानी में मैंने कोको पाउडर को घोल लिया है। आप लोग ये स्टेप जरूर फॉलो करिए, नहीं तो आप लोग की पुडिंग में लम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कोको पाउडर ऐसे आप लोग घोल लीजिए, फिर हम लोग मिल्क में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए मिल्क कॉर्नफ्लोर के साथ पकने के बाद ये थिक हो गया है। अब हम लोग इसमें कोको डाल लेंगे, जिसको धीरे धीरे करके डालेंगे हम लोग, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने से इसमें लम्स हो जाएंगे, तो हम लोग बिल्कुल भी धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। एक हाथ से चम्मच चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स फॉर्म ना हो। और इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी करिए। ये देखिए मैंने अब पूरा इसमें ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ना एक विस्क के हेल्प से भी जो है इसको मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये देखिए आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो विस्क से बिल्कुल भी जो भी लम्स थोड़े बहुत रहेंगे वो भी चले जाएंगे, ठीक है। तो और अब हम लोग इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। इसमें शुगर ऐड कर लीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शुगर डालते जाइए, ठीक है। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लीजिए। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड कर रही हूँ और इसकी फ्लेम बिल्कुल कम कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से मिक्स करिए इसको विस्क से हेल्प से। और अब ये हम लोग 5 मिनट्स तक इसको कुक करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं। बन किया है ये 5 मिनट्स पकाने के बाद, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, हमारी फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी, फिर मैं इसकी सेटिंग करूंगी। ठीक है, ये पुडिंग ठंडी हो गई है। अब हम लोग इसको सेट कर लेंगे। इसके लिए हम लोग 1 कप मिल्क लेंगे, उसमें 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये बिस्किट को डिप करेंगे और इसको जो भी डिश में आप लोग उसको सेट कर रहे हैं पुडिंग को, वो डिश में आप लोग जमाते जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जस्ट उसको लाइट डिप करके उसको जमाते जाइए। बेसिकली क्रस्ट की तरह फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरे बिस्किट जमा के आप लोगों को बताती हूँ। ये बिस्किट की लेयर हो गई है हमारी। अब हम लोग इसके ऊपर ये चॉकलेट पुडिंग डाल लेंगे और इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी एक थिक लेयर आप लोग इसकी डाल लीजिए चॉकलेट पुडिंग की और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ये देखिए, अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके ऊपर बनाना डालेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर बनाना ऐड करेंगे। ये मैं बनाना ऐड करने के बाद आप लोगों को बताती हूँ पूरा। ये देखिए, बनाना ये मैं सेट कर दी। अब उसके बाद हम लोग फिर से बिस्किट का लेयर लगाएंगे। हाफ करके इसको ऐसे अच्छे से क्रस्ट की तरह बेसिकली हम लोग को लगाना है ये कि एक क्रस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो और बिस्किट अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग को ज्यादा बिस्किट अच्छे लगते हैं तो आप लोग ज्यादा और लगा लीजिए। मेरे ख्याल से ये इनफ है। तो फिर मैं इसके ऊपर एक और चॉकलेट का लेयर लगाऊंगी। फिर अब हम लोग एक चॉकलेट की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, अच्छी से थिक लेयर लगाएंगे हम लोग चॉकलेट की और इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लीजिए आप लोग। और अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो ये मिनिमम आप लोग 2 आवर्स के लिए रखिए। 2 आवर्स में भी सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग 6 to 8 आवर्स रखिए। 6 to 8 आवर्स में बिल्कुल अच्छे से सेट होगी है। तो आप लोग इसको 6 to 8 आवर्स रखिए। तो मैं इसको 6 to 8 आवर्स रखूंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसी दिख रही है। ठीक है, ये देखिए, पुडिंग को 8 आवर्स हो गए हैं। ये अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी व्हाइट चॉकलेट के साथ, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए, हमारी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। ये मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करी व्हाइट चॉकलेट के साथ और कुछ चॉकलेट बॉल्स के साथ। ये देखिए, कितनी जबरदस्त दिख रही है ये। ये रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और कमेंट्स में इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।